मकर राशि इस सप्ताह आपका कैसा रहेगा, ये ध्यान देने योग्य बात है, सभी लोग ध्यान दें। मकर राशि यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित प्रणाम लेकर आएगा, आपको पिताजी के सहयोग से उन्नति के मार्ग प्रशस्त रहेंगे, जिसमें आप अपने अमूल्य करेंगे, आप अपने कार्य को अनेक प्रकार से करेंगे, यदि आपको लाभ भी मिला प्राप्त होगा और अनेक प्रकार के लाभ आप प्राप्त होने वाले, जिन पर आप अमल करेंगे, यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी चल रही है तो आप उसे उतारने में सफल रहेंगे और कर्ज से मुक्ति होंगे, आप अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को भी ला कर सकते हैं, उसकी बना सकते हैं योजना, आपको नौकरी में अपने अधिकारियों के कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कैरियर बिजनेस मेष राशि वालों को इस वर्ष की शुरुआत में प्रमोशन के साथ वेतन में वृद्धि मिलने के अक्षर आसार है, आप अपनी मेहनत के बल पर कार्यस्थल पर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे, व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ होंगे, वहीं नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद भरपूर रहने वाला है, आपको नौकरी में तरक्की देखने को मिलेगी, मनचाहा पद मिलने से आपके मान सम्मान में प्रगति होगी, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, यह सप्ताह आपके लिए पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी, वर्षों से चले आ रही गलत फहमियां इस सप्ताह दूर होंगे, घर में किसी तरह का खुशनुमा माहौल बनने वाला है, आपके जीवन में सुख आने वाला है, जिससे रिश्तों में वापस सुधार आएगा, नया घर या वाहन आने से आप खुशी महसूस करेंगे और परिवार का आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा, आपके परिवार में नई खुशियां आने वाली है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हेल्थ पर ध्यान दें, इस सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा मिला जुला रह सकता है, आपको अपने सेहत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी बीमारी परेशान कर सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा चिंतित रहें, आपको अपने रोजाना की दिनचर्या में सुधार लाना चाहिए, खान पान पर ध्यान देना चाहिए, आपको योगा खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके, अनेक प्रकार की चीज़ों से ध्यान दीजिए, आपको नारायण की कृपा होगी। और लक्की दिन आपके लिए 7, 12 और 13 है, कलर आपका पीला, बैंगनी, काला है और आपका दिन मंगलवार, बुधवार, रविवार, और सावधानी बरतना है, ध्यान रखिएगा, छात्र अपने लक्ष्य की अधिक ध्यान दें, अन्यथा आप लक्ष्य की राहों से भटक सकते हैं। उपाय, इस सप्ताह आप गरीबों की सहायता करें, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।